आम खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन माफिया जबरन कृषि भूमि पर खनन की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और शासनिक व प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार गुंडे माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ मोदी नगर मुरादनगर में मिट्टी के अवैध खनन माफिया तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से मिट्टी का खनन कर मोटी कमाई कर रहे हैं। ताजा मामला मोदी नगर तहसील क्षेत्र में आने वाले ग्राम छज्जूपुर मुरादनगर का है, जहां पर मिट्टी के अवैध खनन माफिया ने जबरन सुरेश कुमार के खेतों में खसरा संख्या 325, 326 व 328 में खनन की घटना को अंजाम दिया गया है। किसान सुरेश कुमार का कहना है कि वह तहसील प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कार्यवाही कहकर उन्हें भगा दिया जाता है। के मोदी नगर क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन माफिया जबरन कृषि भूमि पर खनन की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और शासनिक व प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ प्रदेश सरकार गुंडों माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है तो दूसरी तरफ मोदी नगर मुरादनगर में मिट्टी के अवैध खनन माफिया तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से मिट्टी की खनन कर मोटी कमाई कर रहे हैं। ताजा मामला मोदी नगर तहसील क्षेत्र में आने वाले ग्राम छज्जूपुर मुरादनगर का है, जहां पर मिट्टी के अवैध खनन माफियाओं ने जबरन सुरेश कुमार के खेतों में खसरा संख्या 325, 326 व 328 में खनन की घटना को अंजाम दिया गया है। किसान सुरेश कुमार का कहना है कि वह तहसील प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कार्यवाही की बात कहकर उन्हें भगा दिया जाता है और उन्हीं पर पुलिस प्रशासन द्वारा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ खनन माफियाओं द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सुरेश कुमार का कहना है कि खनन माफियाओं के राजनीतिक रसूख के चलते शासन प्रशासन खनन माफियाओं के इशारों पर काम कर रहा है, इसलिए अभी तक भी खनन माफियाओं पर कोई कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई है और यदि जल्द ही खनन माफियाओं पर शासन प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है तो वह तहसील परिसर में पहुंचकर आत्मदाह कर लेंगे। आपको बता दें, मोदी नगर क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन का यह कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है। आज भी रात अंधेरे में धड़ल्ले से खनन माफिया सक्रिय है, वह तहसील प्रशासन से चुप्पी साधे हुए हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कहाँ रहते हैं? ग्राम छज्जूपुर थाना मुरादनगर। क्या हुआ आपके साथ में, जो आप जो प्रशासन अधिकारी के पास चक्कर काट रहे हैं इतने? सर, ये अवैध खनन की हमने कंप्लेंट करी थी, मेरे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं। एसडीएम मोदीनगर, तहसीलदार मोदीनगर, थाना अध्यक्ष मुरादनगर और डीएम साहब गाजियाबाद, इन पर लेकिन कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अवैध खनन करता हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हुआ ये था, इन्होंने बिना प्रशासन की अनुमति के यहाँ अवैध खनन शुरू किया है। ये 327 नंबर है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी से लगता हुआ ये मेरा खेत है। जब मैंने इनकी कंप्लेंट करी है, रंजिशन इन्होंने जो है हमारी मिट्टी भी ये चोरी कर लिया। आपके खेत में से उठा ली मिट्टी? जी सर, ये आप देख सकते हो, ये हमारा खेत है। इसकी शिकायत करी आपने किसी अधिकारी? शिकायत हमने प्रशासनिक अधिकारियों के पास कर रखी है। ये मेरे पास इसका रिसीविंग्स है, ये सब आप ये देख सकते हो। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन हो गए इन्हें? इन्हें लगभग जो अब अगस्त में एक साल हो जाएगी सर। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई किसी की तरह की नहीं। हमें प्रशासन की तरफ से, जो थाने की तरफ से हमें धमकियां दी जाती है कि आप अपना प्रार्थना पत्र वापिस ले लो, ये तो खनन करता तो हमें धमकी देते ही है। पुलिस प्रशासन भी जो है हमें धमकी देता है। क्यों? कि ये रसूखदार लोग हैं, ये राजनीतिबाज भी हैं, राजनीति में इनके आका बैठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन पर उनका दबाव रहता है, इसलिए पुलिस भी कोई जो है स्वतंत्र कार्रवाई नहीं कर सकी आज तक। अगर प्रशासन आपके नहीं सुनता तो क्या करेंगे आप? प्रशासन हमारी सुनवाई वैसे तो कर ही नहीं रहा, लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि कोई कर्मचारी अधिकारी हमारी सुने। अगर नहीं सुनता है तो हम तहसील मोदीनगर में जाकर आत्मदाह करेंगे, क्योंकि ये लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं खुलेआम। ये मारेंगे इससे तो अच्छा हम खुद ही मर जाएं। हम वैसे भी जो है भूखे मर रहे हैं। जो दो तीन चार बीघे जमीन है वो इन्होंने जो एक साल से ये बंजर बना रखी है।
कौन सा खेत है आपका यहाँ जो अवैध खनन चल रहा था, क्या मामला है? ये हमारा खेत है इधर, और अवैध खनन ये चल रहा था इसमें। अच्छा, नंबर है 327, ये भूमि आती है ग्राम मनोली के अंतर्गत, और इसी के बराबर में ये हमारा खेत है। यहाँ से आप देख सकते हो 1/4 जो हमारा 325, 326, 328 तीन नंबर है, उसमें से 1/4 ये हमारा, जब हमने इनकी अवैध खनन की शिकायत करी है तो इतनी मिट्टी ये हमारी भी उठा के चोरी करके ले गए हैं। इसकी शिकायत करी आपने किसी अधिकारी से? इसकी शिकायत हमने SDM महोदय मोदीनगर, तहसीलदार मोदीनगर और थाना अमराधनगर में करी है। कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई कुछ नहीं हुई। और उसकी उसी रंजिशन, ये शिकायत करने की रंजिशन ही जो है ये मिट्टी हमारी इन्होंने चोरी कर ली है, और हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। क्या महीने हो गए आपकी शिकायत करे हुए? ये शिकायत हमने करी थी अगस्त 2021 में, पिछले साल। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं किसी तरह की। ये छजूपुर मनोली का बॉर्डर है, ये हमारा खेत है 325, 326, 328 नंबर, जिसकी ये परमिशन बताते हैं, ये नंबर है 778, ये लगता है छजूपुर में, और ये हमारा खेत है, ये लगता है मनोली में, ये सीम है दोनों गांवों का। ये अवैध खनन हो रहा था? ये अवैध खनन हो रहा था इसमें 327 नंबर में, जो मनोली में लगता है, ये आप देख सकते हो। आपकी मिट्टी उठा ली? हाँ, इधर उठा रखी है हमारी। ये कितनी मिट्टी उठाई है? ये कम से कम 7-8 फीट मिट्टी उठा चुके, आप देख सकते हो ऊपर जो पोल खड़ा हुआ है वहाँ से, इतनी ऊंचाई थी इन खेतों की, और सामने वहाँ देखो, उधर देख सकते हो 8 फीट मिट्टी उठा चुके हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।